पिलर में क्रैक आने के कारण मुमरा प्रभाग ने खाली कराई अलमास कॉलोनी की जुहा अपार्टमेंट इमारत। मोबाइल टावर का भी है इमारत में विवाद। रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 30 जुलाई को कौसा अलमास कॉलोनी स्थित मोतीबाग परिसर में जुहा अपार्टमेंट है। जुहा अपार्टमेंट में यहाँ के निवासियों का और बिल्डर का मोबाइल टावर लगाने को लेकर पिछले कुछ अरसे से विवाद चल रहा है। ऐसे में ही इमारत का एक कॉलम जो है वो क्रैक हो गया है, पिलर में क्रैक हो गया है, ऐसी जानकारी छाने मनपा मुमरा प्रभाग कार्यालय को मिली। तो मुमरा प्रभाग कार्यालय के नवनियुक्त सहायक आयुक्त बालू पीछड़ पूरी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने पूरा मुआयना किया और उसके बाद 43 फ्लैटों वाली इस इमारत से कई सारे मकानों को उन्होंने खाली भी कराया है। किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है उसके वो घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं। पूरी कार्रवाई को लेकर सहायक आयुक्त बालू पीछड़ ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बता दें कि अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावर को लेकर निवासियों में बिल्डर में भी विवाद है। सर, मोतीबाग परिसर में एक जोहा अपार्टमेंट सीविंग करके एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को आप लोग खाली करा रहे हो, तो क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे? ये जोहा अपार्टमेंट करके 8 माले का बिल्डिंग है। तो आज हम लोग को कल रात को कंप्लेंट आया था कि उसका जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम में कॉलम फटा हुआ है। हम लोग सुबह आए देखे तो कॉलम फटा हुआ दिखाई दिया। इसके लिए सुरक्षा के कारण जो जितने लोग रहे अभी 43 फैमिलीज है तो टोटल उनको खाली कर रहे हैं। टोटल कितने रूम से सर इसमें? 43 रूम से। क्या कारण है, मतलब वही सिर्फ नीचे जो पिलर टेढ़ा हुआ है? पिलर टेढ़ा हुआ है, इसके लिए बिल्डिंग जो है यात्री रोकता इतने आ गई है, अभी भी गिर सकती है। लोगों की सुरक्षा के लिए जान बचाने के लिए हम लोग फिलहाल अभी सुरक्षा उपाय करके वो खाली कर रहे हैं। सर, 8 माले के ऊपर एक वो लगाए गए टावर्स, उसकी भी कंप्लेंट आई है। हाँ, टावर लगाए हुए दिख रहे हैं, तो वो टावर जो है जियो और वोडाफोन वालों का है, वहाँ यहाँ पे उनका प्रतिनिधि भी थे, उनको बोल दिया है तो वो कल से वो निकाल लेंगे टावर। यहाँ के जो बिल्डर है सर, उससे आपने बातचीत की है कुछ? उनका नंबर तो लिया मैं, उनको कॉन्टेक्ट करने का ये किया नहीं, उनका फोन बंद आ रहा है। तो सर, यहाँ पे जो 43 रूम से आप लोगों ने खाली करा है, तो इनको रहने की कहीं जगह दी गई है? रहने के लिए अभी उन लोगों को रिक्वेस्ट किया है, आप जब उनके कोई रिलेटिव या नातेवाईक रहेंगे आजू बाजू में तो वो वहाँ जाने के लिए बोल दिया है। और किसी का कोई नहीं है तो आप बाजू में स्कूल है अपना TMC का, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने इंतजाम किया हुआ है। अच्छा, TMC का स्कूल में इंतजाम किया है टेम्पररी बेसिस पे। तो मतलब जब तक ये पूरा ऑडिट नहीं होगा जब तक किसी को रहने नहीं देंगे? हाँ, किसी को रहने नहीं। थैंक यू सर। Thank you.